आपने रामायण, महाभारत और बहुत सी धार्मिक कथाएं टीवी में बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी पत्थरों पे देखी हैं? आइए ले चलते हैं आपको कर्नाटक के एक ऐसे मनमोहक मंदिर में जहां हर दीवार कुछ कहती है, जहां की शानदार हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और टूरिज्म के मिक्सचर को इतिहास के पन्नों में कहीं दबा सा दिया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक के बेल्लूर में चेन्ना केशवा टेम्पल। यहाँ क्यों जाएं? क्योंकि चेन्ना मतलब सुंदर, केशव मतलब भगवान विष्णु के अवतार। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर का वध किया था, इसीलिए यहाँ हर रोज भगवान का स्त्री की तरह श्रृंगार किया जाता है। यहाँ एक ऐसा पिलर है जो बिना किसी नींव के खड़ा है। इस मंदिर को बनने में 103 साल लगे और विष्णुवर्धन राजा की 3 पीढ़ियाँ, मतलब दादा ने शुरू किया और पोते ने बनवाया। इतना गजब और शानदार है बेलूर का चेन्ना केशवा टेम्पल। कैसे जाएं? फ्लाइट से आएंगे तो बेंगलोर या मैंगलोर या मैसूर एयरपोर्ट से 4 घंटे की रोड जर्नी है। अगर ट्रेन से आते हैं तो बेंगलोर या मैंगलोर या मैसूर रेलवे स्टेशन से 3.5 या 4 घंटे की जर्नी है। और पास आना है तो बेंगलोर या मैसूर से ट्रेन लेके हासन आ सकते हैं और वहां से 1 घंटे से भी कम टाइम में आप चेन्ना केशवा टेम्पल पहुँच सकते हैं। जाने के लिए रोड बहुत अच्छी है, इसलिए आप आराम से रोड सफर एंजॉय करके जा सकते हैं। खास बातें, मंदिर के गौरवशाली इतिहास और गजब की कलाकारी को समझने के लिए गाइड जरूर करें। 500 रुपए फिक्स रेट है, सो बार्गेनिंग करके टाइम वेस्ट ना करें। मंदिर के गेट तक गाड़ी पहुंचती है और पार्किंग की टेंशन भी नहीं है। सिर्फ 10-20 सीढ़ियां हैं और कोई एंट्री फीस भी नहीं है। बेंगलोर, मैसूर, चिकमंगलूर, कुर्ग या सकलेशपुर घूमने आए हैं तो बेलूर का चेन्ना केशवा टेम्पल जरूर आए। यहाँ आके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताने की जरूरत नहीं है। मस्ती से घूमें और एंजॉय करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।